एवरीवन, आई एम श्योर माइक्रोडर्मा एब्रेजन सबने सुना होगा। ये सिंपल प्रोसीजर है पर इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर। आज मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगी माइक्रोडर्मा एब्रेजन के बारे में। माइक्रोडर्मा एब्रेजन को अगर हमें सही से समझना है तो उससे पहले समझना चाहिए स्किन के स्ट्रक्चर को। स्किन 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, एपिडर्मिस यानी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर डर्मिस एंड थर्ड लेयर सबक्यूटेनियस लेयर। माइक्रोडर्मा एब्रेजन का काम है एपिडर्मल लेवल पे, यानी कि फर्स्ट लेयर पे। फर्स्ट लेयर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस के भी 5 सब लेयर्स होते हैं, यानी कि ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। बेस लेयर थोड़ी बड़े सेल्स की होती है और उसके अंदर केराटिन कम होता है। जैसे जैसे लेयर्स ऊपर आती है, यानी कि बेसल लेयर से ऊपर वाली लेयर तक, वहाँ केराटिनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है और सेल्स बड़े फ्लैट हो जाते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसी को हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। और स्ट्रेटम कॉर्नियम ही रीजन है डेड स्किन लेयर का, बिकॉज यहाँ पर इंक्रीज केराटिनाइजेशन हो जाती है। इस एक्यूमुलेशन ऑफ डेड लेयर की वजह से ही स्किन एक ग्रेइश और एक डल अपीयरेंस देती है। माइक्रोडर्मा एब्रेशन का पर्पस है कि इस स्ट्रेटम कॉर्नियम को रिमूव किया जाए और नीचे वाली लेयर को स्टिमुलेट किया जाए कि वो इंक्रीज्ड रीजनरेशन करे। इसी वजह से आपको एक सिंपल माइक्रोडर्मा एब्रेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब व्हेन टू गो फॉर माइक्रोडर्मा एब्रेशन, माइक्रोडर्मा एब्रेशन कब कराना चाहिए। माइक्रोडर्मा एब्रेशन बहुत डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है, बहुत डिफरेंट इंडिकेशन से। फेस पे भी यूज़ होता है और बॉडी पे भी यूज़ होता है। बॉडी पे टैंड एंड डल लुक रिमूव करने के लिए बॉडी पॉलिशिंग बहुत अच्छा प्रोसीजर है। फेस पे एक्ने स्कार्स, अनइवन स्किन टोन, टैंड लुक, इंक्रीज स्टिमुलेशन फॉर कोलेजन प्रोडक्शन यानी एंटी एजिंग में भी माइक्रोडर्मा एब्रेशन बहुत हेल्पफुल होता है। सिंपल प्रोसीजर होने की वजह से इसका कोई डाउन टाइम भी नहीं होता, कोई पेन नहीं होती और इमिडिएटली एक लंच टाइम प्रोसीजर की तरह आप इसे करा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोडर्मा एब्रेशन। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोडर्मा एब्रेशन होते हैं, क्रिस्टल माइक्रोडर्मा एब्रेशन, डायमंड माइक्रोडर्मा एब्रेशन और आजकल बहुत चलने वाला हाइड्राफेशियल, दैट इज ऑल्सो अ माइक्रोडर्मा एब्रेशन टेक्निक। बात क्यों करनी है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर सबसे पहले डीग्रीज किया जाता है। डीग्रीज 70% अल्कोहल से किया जाता है ताकि स्किन के सरफेस के ऊपर जो भी डर्ट या कोई डेब्रीज है वो रिमूव हो जाए और प्रोसीजर इफेक्टिवली कंडक्ट हो सके। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टल डर्मा एब्रेशन। जैसे कि आपने देखा कि जब मैंने फोरहेड पे इसको टच किया तो वाइट तरह के कुछ क्रिस्टल्स यहाँ पर स्किन पे डिपॉजिट हो गए। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि नोजल से एक वायर से आते हैं और नोजल के दूसरे वायर से एग्जिट होके आपके दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड प्रोसीजर है डायमंड डर्मा एब्रेशन। यहाँ हमने डायमंड टिप से डर्मा एब्रेशन कर रहे हैं। थर्ड टाइप का प्रोसीजर है हाइड्राडर्मा एब्रेशन, जो कि हाइड्राफेशियल में भी यूज होता है। वीडियो था उसमें मैंने आपको डेमो देके प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाई हैं ताकि आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो और एक माइक्रोडर्मा एब्रेशन जैसे सिंपल और इफेक्टिव प्रोसीजर का फ़ायदा उठाएं। इसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट बॉक्स एंड टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।